नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। आगामी 1 मार्च को आने वाले पर्व महाशिवरात्रि को झांसी में परंपरागत ढंग से मनाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक रवि शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झांसी में पिछले कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व झांसी में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा तथा भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन होगा। आइए देखते हैं क्या कहा पंडित रवि शर्मा ने। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मंडिया महादेव की शिव बारात का 16वां साल है। झांसी जिसे हम काशी कहते हैं, यहाँ पर जब कुशाई राजाओं का शासन होता था तब कुशाई भगवान अष्णु को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने झांसी में बहुत भव्य शिवालयों की स्थापना की, उसमें से मंडिया महादेव का शिवालय है। उस शिवालय में पूर्व में लोगों ने कंप्यूटर रखे थे, वो अतिक्रमण मुक्ति के लिए चला अभियान चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने शिव बारात का आयोजन आज से 16 वर्ष शुरू किया था। उद्देश्य में हम लोग सफल हुए और वो मंदिर अतिक्रमण से उस मंदिर की शिव बारात झांसी में निकलती है, तो झांसी में सभी लोगों की वो बारात सबकी आस्था का केंद्र है। वो मंदिर शिव बारात मंडी मंदिर से शुरू होकर के मालिकों का चौराहा, मालिक चौक से चौराहा से रानी बहन, रानी बहन से विदर्भा होते हुए बढ़िया महादेव तक पहुँचे, जिसमें से भक्त घूमते हुए हर महादेव के नारे लगा के नहीं चलते हैं। इतनी सारे डीजे होंगे, इतनी सारे बैंड होंगे और जगह जगह बारात का रानी में लंबा स्वागत करते हैं। वो शिव बारात के अवसर पर एक झांसी भव्य बारात निकलती है, उसी को लेकर के आज आप यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल हैं? लोग तो स्वस्थ भाव से आते हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, वहाँ पर संख्या का गिनना संभव नहीं हो पाता क्योंकि बारात बहुत लंबी होती है। उनमें भारी संख्या में लोग हजारों की संख्या में श्री भक्त श्रद्धालु पिछले साल 18-20 हज़ार लोग बारात में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से वो लोग की श्रद्धा आस्था केंद्र वहाँ पर लोगों के मनोरंजन हुए हैं। तो वो बारात अपने आप दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस बार भारी संख्या में लोग जाने की उम्मीद है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।